जान दो जान दो जान दो जान दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जान दो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के कितने बज रहे हैं भाई? साढ़े छः हो रहे होंगे। अरे चाचा कभी कैमरा नहीं देखा क्या? और उसके बाद भाई ने बोला, कल रात को ही बोला था मेरे को फोन करके, बोला कि भाई अपने को मोटो ब्लॉगिंग करने चलना है, एयर कॉजवे पे जाना है। और उसके बाद तो मैंने बोला भाई चलो ठीक है, वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं सिनेमेटिक शॉट लेंगे और अच्छे अच्छे व्यूज दिखाएंगे आपको। और सुबह कितने बजे आए आप? 6:30 बजे समथिंग में आ गया था मतलब घर पे आपके। भाई 6 बजे तो मैं सो के उठा, इसलिए अभी निकलते हैं हम लोग। ओके, फिर आपको व्यूज दिखाते हैं और अच्छे अच्छे। भाई साहब, हम यहाँ से अपने नवागांव सॉरी किंडोली से लेके यहाँ उतना तक हम पहुँच गए अभी कॉजवे जाने के लिए। 14 किलोमीटर है वो, तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पे जाने के लिए। यही आप लोग के लिए नए नए कंटेंट लाने हैं, तो वही सोच रहे हैं कि आपके लिए क्या लाए नया। तो आज एक दिमाग में आज आपको कुछ बताते हैं सूरत का जो बहुत फेमस है, और वहाँ पे ताबी का समुद्र में मिलाप भी होता है, और सूरत के लिए पीने का जितना पानी का स्रोत है वही इकलौता एक स्रोत है, तो वही आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं। तो भैया सुबह सुबह हम कितने बजे उठे? 6 बजे तो उठ के भाई ने, शशि भाई ने फ़ोन किया, और मेरे को तो आधा घंटा सब मतलब फ्रेश होने में लग गया। तो उसके बाद शशि भाई का फ़ोन आया कि भैया चलना है, तो हमने कहा कि भाई चलो। और भाई अभी यहाँ पर निकल पड़े हम लोग, चाय वाय नाश्ता वास्ता भी नहीं किए, बस अभी रुकेंगे कोई अच्छी जगह पे, वहाँ पे नाश्ता चाय वाय पियेंगे। और देखो, ओहो, अरे भैया आराम से ले लो, जाने दो। जान दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, जान दो बस। देख रहे हो भैया कितनी लंबी टंग मार रहे हैं ये लोग। मॉर्निंग की बात ही अलग है भैया, एक बार उठो जो बिस्तर पे सोते हैं ना, एक बार 6 या 5 बजे उठ के देखो कितनी पहुंच चुके हैं, और आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। चलो पास लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कितनी बढ़िया बढ़िया व्यूज़ है। हाँ, और ये शशि भाई शूट करना चालू कर दिए। ये आवाज आ रहा है भाई,
भाई साहब आप लोग ने तो देख ही लिया होगा कितना बढ़िया व्यूज आ रहा है, और क्या बोलते हैं कि काश हमारे पास ड्रोन रहता तो आपको इससे भी अच्छा अच्छा शॉट मैं दिखाता, और भाई मज़ा ही आ जाता है ना। चलना शशि भाई, देखो सांप अपना निकल गया। गार्डन में लोग यहाँ पे फुटबॉल वॉलीबॉल सब खेलते हैं, तो इन्होंने ये बना दिया बीच में। पहले हम लोग आते थे ना तो यहाँ पे सब लोग फुटबॉल वगैरह खेलते रहते थे, कीचड़ में पूरे कीचड़ से भरे हुए। पहले हम लोग बहुत आते थे यहाँ पे। तो भैया ब्लॉग देखने में तो मजा आ रहा होगा कि नहीं, आपको कौन सा पार्ट इसमें से अच्छा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बता देना, और व्यूज तो देख ही लिए होंगे कैसा था, बढ़िया था ना। तो अभी और अच्छे अच्छे शूट करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो बोट, बोट वाले से बात करके चले क्या बीच में? चलो अनुपम बाप ने चलते बोट वालों से बात करते। अरे भाई जाते मानी या थप्पड़ थप्पड़ ना लग जाए भैया, कौन हो तुम? चलिए उनसे बात करके देखते, अगर रिक्वेस्ट करते, अगर वो बोले कि हाँ भाई हम लोग फ्री है करते तो फिर ट्राई करते। अगर बोट मिल गई ना गाइस, एक नंबर आपको सिनेमैटिक्स और सब कुछ देखने मिलेगा। और यहाँ से जाने का रास्ता कहाँ है भाई? ये यहाँ से बाहर से है, जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है यहाँ से। तो भैया क्या पता वो लोग बैठने देंगे कि नहीं बैठने देंगे, या फिर भाई ये सब मछुआरे हैं, मछुआरे ये लोग निकल रहे, देखो आप बताओ ना उनको। अभी ये लोग सब निकल रहे हैं मच्छी पकड़ने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए। देखो वो देखो कितने लोग हैं यहाँ, चार चार पाँच, एक यहाँ पे बैठा है, पांच लोग तो है ही ये लोग, है ना भाई? तो बात करें जाके। तो ये आपको ब्लॉग कैसा लगा? और ये हमारे मतलब कि अपने शशि भाई का भी चैनल बनाया है उनने, और ये रहा डिस्क्रिप्शन में इनका यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया है, और क्या बोलते हैं कि जाके देखो। भैया जी मोटो ब्लॉगिंग करते हैं ना, मोटो ब्लॉगिंग के साथ साथ क्या है वही ट्रैवलिंग वाला है, और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का सोच रहा हूँ। आप जाइए गाइस, फॉलो करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। अरे और जाके देखिए, अभी तो स्टार्ट किया है, आगे देखो। ऐसे मैं कुछ बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, पर अगर अच्छे से टाइम मिलेगा मुझे तो बहुत कुछ दूंगा आप लोग को देखने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगा आपके लिए। तो जाइए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलो अरे भैया चलो अभी जाने का है। और बापरे बापरे ये तो पहाड़ से कम नहीं है भैया, दिखाओ हाइट बताओ ना। अरे देखिए हाइट तो देख ही सकते कितनी ऊंची है ये, ऊंचा रहेगा ना यार, क्योंकि पूरा तापी का पानी यहाँ पे आके रुकता है, तो इसका हाइट रहना भी जरूरी है गाइस, नहीं तो फिर पूरा पानी इतने सूरत में घुस जाएगा, और तब तो पता है इसके बाद क्या होता है, जैसे 2006 में हुआ था। चलो गाड़ी निकालते अभी चलते हैं, हो गया अभी कहीं और चलना है, कहीं चलना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही आपका भाई न्यू ब्लॉग लाता रहेगा। अभी जो न्यू व्यूवर है जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ब्लॉग तुम्हारा भाई बहुत ही अच्छे अच्छे लाएगा। ठीक है अभी के लिए चलते हैं, ओके बाय।
भैया शूट करते समय इतनी तेज से भूख लग गई, सुबह कुछ खा के भी नहीं आया था, और शशि भाई बोले चलो रसा वाला खम्मन खाते हैं, और सबसे अच्छी जगह है जलाराम। जय जलाराम रसा वाला खम्मन सूरत का बहुत फेमस है, और क्या बोलते हैं एक बार खा के भी देख लेते। मैंने तो कभी खाया नहीं भाई, अब जब आप बोल रहे हो तो भाई